भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार भाई हिरण्याक्ष के वध से संतप्त होकर हिरण्यकश्यप दैत्यों और दानवों को अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं मंद्राचल पर्वत पर चला गया। उसके हृदय में वैर की आग धधक रही थी। वह भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर हिरण्यकश्यप को तपस्या में रत देखकर देवराज इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। दैत्यगण राजा विहीन होने के कारण युद्ध में पराजित हुए और भागकर पाताल लोक में शरण ली। इंद्र ने राजमहल में प्रवेश करके हिरण्यकश्यप की पत्नी क्यादु को बंदी बना लिया। उस समय वह गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी देव ऋषि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा, देवराज इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इंद्र ने कहा, देव ऋषि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने क्यादु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद ने जी क्यादु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले, बेटी तुम यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम यहाँ पर निवास करो जब तक कि तुम्हारे पति वापस ना लौट आए। समय होने पर क्यादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप के द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, देवता हो या दैत्य, नाग किन्नर, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, अस्त्र में शस्त्र में, पृथ्वी या आकाश में, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एकमात्र सम्राट हूँ। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को मुँह मांगा वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप वापस अपनी राजधानी चला आया। क्यादु भी नारद जी के साथ आश्रम से राजमहल में आ गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के शिक्षा की व्यवस्था की। धीरे धीरे प्रहलाद की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी भगवत भक्ति भी बढ़ने लगी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में उठाकर पुचकारते हुए कहा, बेटा अपनी पढ़ी हुई अच्छी अच्छी बात सुनाओ। तब प्रहलाद ने भगवत भक्ति की प्रशंसा की। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे पटक दिया और असुरों को उसको मार डालने की आज्ञा दी। फिर तो असुरों ने प्रहलाद का काम तमाम करने के लिए अनेक उपाय किए, पर ईश्वर की कृपा से वह बच गया। किसी भी उपाय से असुर प्रहलाद का बाल बांका ना कर सके। एक दिन गुरुपुत्रों के शिकायत करने पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को राजदरबार में बुलाया और उसे तरह तरह से डराने लगा। फिर उसने कहा, अरे दुष्ट, जिसके बल पर तू इतनी बहकी बातें करता है, वह तेरा ईश्वर इस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वह इस खम्भे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से इस खम्भे में एक घूसा मारा। उसी समय खम्भे से एक भयंकर शब्द हुआ और खम्भे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर आने लगा, जिसका आधा शरीर और आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर सिंह का था। यह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आँखें थीं। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी और वे भयंकर शब्दों के गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में ना था। यह देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नखों से उसके कलेजे को फाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हुए।
उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाने का साहस नहीं था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, देवगण, ऋषि मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुँचे और थोड़ी दूर पर स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग प्रकार से स्तुति की। तभी भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वह भी भयभीत हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही भगवान क्रुद्ध हुए, तो अब तुम ही उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लेट गए और उनकी स्तुति करने लगे। एक नन्हे बालक को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दया से भाव विभोर होकर उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, फिर भी तुम केवल एक मन्वंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्य अधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। यह कहकर नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वामन अवतार। एक समय देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवता पराजित होकर दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवताओं की रक्षा करने और दैत्यों के विनाश के लिए महर्षि कश्यप और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कश्यप और अदिति के पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन दिया। साथ ही देवताओं पर आई हुई विपत्ति का नाश करने का भी वरदान दिया। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने वामन अवतार ग्रहण किया। भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके माता अदिति को अपार हर्ष हुआ। तब कश्यप जी ने उनका जात कर्म संस्कार किया। इसके बाद ब्रह्म ऋषियों ने भगवान वामन का उपनयन संस्कार किया। उस समय वामन बटुक को महर्षि पुला ने यज्ञोपवीत, पुलत्स्य ने दो श्वेत वस्त्र, अगस्त्य ने मृगचर्म, भारद्वाज ने मेखला, मरीचि ने पलाशदंड, वशिष्ठ ने अक्षसूत्र, अंगिरा ने कुश का बना हुआ वस्त्र, सूर्य ने शत्र, भृगु ने खड़ाव, देवगुरु ने बृहस्पति ने कमंडलू का प्रदान किया। उपनयन के बाद भगवान वामन ने अंगों सहित वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके एक ही माह में उनमें निपुणता प्राप्त कर ली। प्रहलाद का पपोत्र दैत्यराज बलि प्रजापालक न्यायप्रिय और दानवीर था, तो वो भगवत भक्त भी था, पर उसे अपने दानवीर होने का घमंड था। एक बार बलि ने तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। वामन भगवान छोटे बटुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। भगवान वामन बलि के यज्ञ में पहुँच कर दान में 3 पग भूमि मांगी और 2 पगों में ही बलि का सारा राज्य ले लिया। जब तीसरा पग रखने लगे तो कोई स्थान नहीं बचा। तब बलि ने हार मान ली और भगवान ने उसे उत्तम गति प्रदान की और भाई बंधुओं के साथ सूतल लोक में भेज दिया। इसके बाद इंद्र को स्वर्ग का अधिपति और देवताओं को यज्ञ याग भोजी बनाकर सबके देखते हुए अंतर्ध्यान हो गए। परशुराम अवतार। पृथ्वी पर एक समय सत्ता के मद में चूर होकर क्षत्रिय राजा अपने धर्म से विहीन होकर प्रजा पर अत्याचार करने लगे। भगवान विष्णु ने क्षत्रियों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए परशुराम अवतार धारण किया। त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल में वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया के शुभ दिन महर्षि जमदग्नि और भगवती रेणुका के माध्यम से भगवान विष्णु का भार्गव राम परशुराम के रूप में पृथ्वी पर अवतार हुआ। भगवान शिव से प्राप्त अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला अमोघ परशु फरसा धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। महर्षि जमदग्नि एवं भगवती रेणुका को 5 पुत्र प्राप्त हुए, रूमणवान,
सुषेण, वसु, पिश्वा वसु तथा परशुराम। परशुराम सबसे छोटे थे पर सबसे वीर तथा वेदज्ञ थे। 5 वर्ष की अवस्था में उनका विधिपूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उन्होंने महर्षि कश्यप से शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। कुशाग्र बुद्धि संपन्न तथा उत्साही परशुराम अल्प समय में ही चारों वेद तथा धनुर्विद्या में निपुण हो गए। इसके बाद उन्होंने गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर को प्रसन्न कर परशुराम ने उनसे उच्च कोटि की धनुर्विद्या और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। एक बार उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने माता रेणुका पर क्रोधित होकर अपने पुत्रों से उनका वध करने को कहा, किंतु मात्र स्नेहवश किसी में भी यह साहस नहीं हुआ। परशुराम जी वन से लौटे ही थे कि क्रुद्ध पिता ने उन्हें आज्ञा दी, बेटा तुम अपनी माता और इन चारों भाइयों का सिर काट दो। अपने पिता के तपोबल से परिचित परशुराम जी ने तुरंत परशु उठाया और माता सहित अपने चारों भाइयों का मस्तक काट कर अलग कर दिया। क्रोध शांत होने पर महर्षि जमद अग्नि ने परशुराम जी से कहा, धर्मज्ञ राम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित पर मांग लो। परशुराम जी ने हाथ जोड़कर पिता से निवेदन किया, पिताजी मेरी माता और सभी भाई जीवित हो जाएं और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति ना रहे, युद्ध में मेरा कोई सामना ना कर सके और मैं दीर्घायु प्राप्त करूं। मुस्कुराकर जमद अग्नि ने कहा, ऐसा ही होगा, और संजीवनी विद्या के द्वारा उन सबको फिर से जीवित कर दिया। महाभारत के वर्णन में है कि भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी करके उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 रुधिर कुंड भर दिए और रक्तांजलि के द्वारा उन कुंडों में पितरों का तर्पण किया। तर्पण के समय उन्होंने अपने पितरों का साक्षात दर्शन किया। पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, हे महाभाग, तुम्हारी पितृ भक्ति और पराक्रम से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो मांग लो। इस पर परशुराम जी ने कहा, पितृगणों मैंने क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरे बनाए ये सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध हो जाएं। ऐसा ही होगा, यह कहकर पितरों ने उन्हें वरदान दिया और इस घोर कर्म से उन्हें रोका। महाबली परशुराम ने क्षत्रियों की जिस भूमि को हस्तगत किया था उस भूमि को अश्वमेध यज्ञ के आचार्य महर्षि कश्यप को दान में दे दिया और स्वयं तपस्या में प्रवृत्त हो गए। राम अवतार। रघुकुल में दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए। महाराज दशरथ ने 3 विवाह किए पर अधिक अवस्था होने पर भी उनके कोई पुत्र ना हुआ। निराश होकर वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि की शरण में पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र येष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर दशरथ जी को चरु प्रदान किया। उस दिव्य चरु को ग्रहण करके 3 रानियां गर्भवती हुई। देवतागण लंकापति राक्षस राज रावण से त्रस्त हो गए थे। वह ऋषियों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा धर्म का शत्रु था। उसने यज्ञ पूजन आदि बलपूर्वक रोक दिए। राक्षस उन्मत्त होकर ऋषि मुनियों का वध तथा भक्षण करने लगे। रावण ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था तथा लोकपालों को अपनी आज्ञा मानने पर विवश किया। अधर्म के इस प्रचंड भार को पृथ्वी सहन ना कर सकी और देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंची। तब उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में धरती पर राम अवतार लिया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और केकई का 1 पुत्र हुआ भरत। चारों कुमार बड़े हुए और कुल गुरु वशिष्ठ से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। एक दिन राक्षसों के उपद्रव से पीड़ित होकर ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए। उन्होंने महाराज दशरथ के समक्ष राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर दशरथ जी ने उन्हें अपनी चतुरंगनी सेना को साथ ले जाने को कहा, पर विश्वामित्र मुनि को उनका यह परामर्श अच्छा नहीं लगा क्योंकि इससे उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न होगी। कुल गुरु वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ जी मान गए और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ वन में जाने की आज्ञा दे दी। राम लक्ष्मण ने वन में जाकर समस्त तपोवन को राक्षसहीन कर दिया।
ऋषियों की पूजा तपस्या पहले की ही भांति विघ्न रहित होने लगी। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र को विदेह राज जनक का आमंत्रण मिला। उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। विश्वामित्र दोनों अवध कुमार को साथ लेकर मिथिला पहुँचे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो भी भगवान शिव के अमोघ धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। मिथिला नरेश की यह प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम ने पूर्ण की। अपने आराध्य देव के धनुष भंग का समाचार सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर वहां पहुंचे। राम के शील शक्ति और तेज से गर्व रहित होकर लौट आए। इसके बाद अयोध्या नरेश दशरथ को आमंत्रण मिला और उनके चारों कुमार का जनकपुर में विवाह हुआ। दशरथ और वशिष्ठ के साथ पूरी प्रजा भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक चाहती थी, पर राम राज्य करते तो धरती का भार कौन दूर करता। देवताओं की प्रेरणा से माता कैकेयी को मोह हो गया और उन्होंने दशरथ जी को वचनबद्ध करके भरत के लिए राज्य और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिता के वचन को पूरा करने के लिए श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ तपस्वी के वेश में वन को प्रस्थान कर गए। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। जब यह प्रकरण हुआ तब भरत अपने ननिहाल में थे। यह समाचार सुनते ही वे तुरंत अयोध्या वापस लौट आए और पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद समस्त समाज को साथ लेकर श्री राम को लौटाने चित्रकूट पहुँचे, पर श्री राम की आज्ञा से उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौटे और उन्हीं चरण पादुकाओं को भगवान श्री राम के प्रतीक रूप में सिंहासन पर विराजित कर दिया। भरत ने स्वयं तपस्वी वेश में 14 वर्षों तक नगर से बाहर रहकर श्री राम के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का शासन करने का संकल्प लिया। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में महर्षि अत्रि और सती अनसुईया का दर्शन करके वहां से प्रस्थान किया और मार्ग में विराट नामक एक असुर का वध किया। चित्रकूट से आगे बढ़ने पर श्री राम ने भारद्वाज, शर, भंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों का दर्शन करते हुए दंडकारण्य पहुँचे और वहाँ पर्णकुटी बनाकर वनवास का समय व्यतीत करने लगे। एक दिन वन में विचरते हुए वहाँ रावण की बहन सुपर्णिका पहुँची और श्री राम पर मोहित होकर उन्हें प्रणय निवेदन करने लगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने सुपर्णिका के नाक और कान काट दिए। नाक कान काटने पर वह अपने साथ खर और दूषण को लेकर आई। वे असुर 14 सहस्र सेना के साथ आए, पर भगवान श्री राम के तीक्ष्ण बाणों के भोग बन गए। इसके बाद सुपर्णिका रावण के पास पहुंची और उसको अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच को साथ ले जाकर स्वर्ण मृग की माया से छल पूर्वक सीता जी का हरण कर लिया। जब श्री राम वापस लौटे तब कुटिया को खाली देखकर सीता जी की खोज में निकले। मार्ग में उन्हें आहत अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले तो रावण से सीता को बचाने के क्रम में आहत हो गए। जटायु ने श्री राम के गोद में ही प्राण त्याग दिए। श्री राम ने अपने कर कमलों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद कबंद असुर का वध और शबरी के बेरों का आस्वादन करते हुए वे पंपासुर पहुँचे। वहाँ प्रभु श्री राम हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने बाली के द्वारा निर्वासित सुग्रीव से श्री राम की मित्रता कराई। इसके बाद श्री राम ने बाली वध करके सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया। सुग्रीव की आज्ञा से भालू और वानर दल सभी दिशाओं में सीता जी की खोज में निकले। तब महावीर हनुमान जी ने लंका पार करके सीता जी का पता लगाया। तत्पश्चात सुग्रीव के साथ विशाल वानर सेना लेकर प्रभु श्री राम सागर तट पर पहुँचे और सेतु बंधु बनाकर लंका पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में रावण अपने भाई कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजीत और समस्त राक्षसी सेना के साथ मारा गया। लंका पर विजय प्राप्त करके वहां का शासन विभीषण को सौंपकर भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट आए और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राम राज्य आज भी सुशासन, सुव्यवस्था और शांति के लिए एक उदाहरण है।